Hey guys, I welcome you all to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन. इंडियन नेवी ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन संकल्प. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है. नियर ईरान पर्शियन गल्फ के आसपास हमारी शिप्स अब तैनात होगी. नाउ ये जो मिशन है ये सिर्फ इंडिया को बेनिफिट नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली बहुत सी कंट्रीज को भी फायदा पहुँचाएगा. जानेंगे मिशन किस बारे में है, इसके हिडन एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. सो विदाउट अ डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. बट बिफोर वी बिगिन, UPSC 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत. और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी एनर्जी से भरपूर कंट्रीज हैं. ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, इन सब कंट्रीज पे हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कच्चे तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए. नाउ आपको ये बात समझनी होगी कि क्रूड ऑयल इंडिया तक किस तरीके से पहुंचता है. अगर मान लो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल एक डील करते हैं और डील में ये बात डिसाइड होती है कि इंडिया 10,000 बैरल ऑयल खरीदेगा फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ठीक है, एक बैरल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है, तो हमको 10,000 चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया सीधा अपनी तरफ से एक शिप में सारे बैरल रवाना कर देगा टूवर्ड्स इंडिया. नहीं, इंडिया पहले तो पे करेगा सऊदी अरेबिया को $60 पर बैरल या फिर जो भी रेट चल रहा होगा ऑयल का. उसके अलावा इंडिया को एक एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी एक प्राइवेट कंपनी को. देखिए क्या है कि इस पूरे रीजन में ना ऑयल के ट्रांसपोर्ट का एक अलग से बिजनेस है. ऑयल का तो बिजनेस है ही जो ये कंट्रीज कर रही हैं, फिर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका ओरिजिन यूरोप में, US में, वेरियस और जगह है. वो क्या करती है कि यहाँ से ऑयल के बैरल लेकर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जिस कंट्री को भी ऑयल चाहिए उनको पहुँचा देते हैं. इसके बदले में वो लेते हैं फ्राइट चार्जेस. वो बेसिकली कहते हैं कि ठीक है, हम आपके लिए आपका ऑयल सऊदी अरेबिया से आपके कंट्री तक पहुँचाएंगे, उसके बदले में हमको इतना अमाउंट चाहिए होगा. अब इतना भी काफ़ी नहीं होता, वो कंपनी ये इंश्योर करती है कि यहाँ पर किसी का नुकसान ना हो. इसलिए जो भी एक शिप होती है जिसमें बहुत सारे ऑयल के बैरल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाए जाते हैं, उस शिप का इंश्योरेंस कराया जाता है. इंश्योरेंस क्यों? कल को मान लो अगर ऑयल गिर जाता है, ऑयल स्पिल हो गया, वहाँ पे एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, तो उस इंश्योरेंस कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो सारा मैस साफ करे. उसके अलावा जो यहाँ पे ऑयल का नुकसान हुआ है, ऑयल सारा वेस्ट हो गया, पानी में गिर गया है, वो सारी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी. तो आज के टाइम में ये बिजनेस इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि एक शिप जो ऑयल लेके जा रही है उसका भी इंश्योरेंस होता है. और ये जो ऑयल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ये भी अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है. आज के टाइम में सिर्फ इसी रीजन में पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक ही करीब 2000 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं. मगर पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है कि ये कंपनीज धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर रही हैं. वो ये नहीं चाहती कि उनकी शिप बाहर निकले. एक्चुअली कंपनीज तो चाहती हैं, मगर शिप्स को जो ऑपरेट करते हैं, जो सेलर्स हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम अभी के लिए पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक का सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि जिस तरीके से ईरान के आसपास हैवी मिलिट्राइजेशन हो रखी है बाय द USA, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पे. और ऑलरेडी आपने सुना होगा करीब 6 केसेस आ चुके हैं वेरियस ऑयल कंटेनिंग शिप्स पे अटैक के. कहीं से मिस्टीरियसली उन पे अटैक हो जाता है, शिप पे आग लग जाती है, उसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है उस प्राइवेट कंपनी को जो ऑयल कैरी कर रही थी. अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ठीक है, मगर फिर इंश्योरेंस वाली बात भी तो थी, तो जब इन लोगों को इंश्योरेंस मिला हुआ है तो ये डरते क्यों हैं? देखिए इंश्योरेंस अपनी जगह है, मगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जब भी ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, लगातार 6 ऑयल कैरिंग कंटेनर्स पे अटैक होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी अचानक से अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती है. तो मतलब कि आज के टाइम में ईरान के आसपास जो टेंशन हो रही है उससे चाहे तेल की कीमतें 20% 30% ना बढ़ी हो, तेल की कीमतें रफली आप कह सकते हैं 5-6% के आसपास ही बढ़ी हैं, मगर तेल को जो कैरी करने की कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और उसका भुगतान करना पड़ता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज़ को. तो अभी के लिए क्या है कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए तो मेन प्रायोरिटी है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में प्रॉपर सिक्योरिटी हो, एडिक्वेट सिक्योरिटी हो, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है उनको आश्वासन मिले कि उनके कंटेनर्स पर अटैक नहीं होगा, जो सेलर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको आश्वासन मिले, उनको एश्योरिटी मिले कि सिचुएशन कंट्रोल में है.
तो इसी एश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है इंडियन नेवी में, जिसमें हमने दो शिप्स भेजी हैं इस रीजन में। एक तो है डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, और दूसरी है पेट्रोल वेसल INS सुनन्या। नाउ जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS चेन्नई, ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस शिप है। रिसेंटली इसको 2016 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है INS चेन्नई। इस शिप में आप एक हेलीकॉप्टर को भी डॉक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ध्रुव हेलीकॉप्टर, या फिर जो यूके से हमने लिए थे सीकिंग हेलीकॉप्टर। उसके अलावा आप ये भी जान के सरप्राइज होंगे कि INS चेन्नई में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मोस को भी किस तरीके से डिप्लॉय किया जा सके, और फिर ये शिप ब्रह्मोस को भी लॉन्च कर पाएगी। अभी के लिए मुझे लगता नहीं है ब्रह्मोस को कैरी कर रही है, मगर फिर भी एक डिस्ट्रॉयर कहीं भी भेजना है काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि INS चेन्नई को कमीशन किया गया था नवंबर 2016 में। उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे द लेट मनोहर पारिकर जी, और ये इंडियन नेवी की पहली शिप है INS चेन्नई, जिसका नाम रखा गया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई पर। नाउ एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है कि ठीक है, हम यहाँ पर एक पेट्रोलिंग वेसल और एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय करेंगे, मगर जब ऑलरेडी USA की इतनी सारी शिप्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, तो क्या इंडियन नेवी की यहाँ पे आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि आपको समझना होगा कि US नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड इसलिए नहीं है ताकि जो ऑयल टैंकर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो। आपको रिसेंटली पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कवर किया था कि ईरान ने किस तरीके से USA का एक ड्रोन एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया था। उस वीडियो में मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि इसके बाद USA रिटेलिएट करेगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही खराब डिसीजन लिए हैं और आज के टाइम में USA को एक बहुत ही अगली पोजिशन में प्लेस कर लिया है, और बेसिकली वो बस फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे। USA ने ड्रोन इंसिडेंट के बाद बस ईरान पे थोड़े से और सैंक्शन लगा दिए हैं, पहले ही बहुत सारे सैंक्शंस थे, थोड़े से और लग गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और USA ने स्टेप नहीं उठाया, तो USA का जो पूरा आज के टाइम में फोकस है वो है ईरानियन मिलिट्री पर ज़्यादा प्रेशर बनाने में। जो वहाँ पर ऑयल कैरिंग शिप्स हैं उनकी प्रोटेक्शन में USA का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इंडिया यहाँ पर प्राइमरली फोकस ये करेगा कि जो शिप्स इंडिया के लिए ऑयल कैरी कर रही हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, उनको कोई भी हानि ना हो। और इसमें सिर्फ शिप्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसको रिसेंटली 2018 में इनॉग्रेट किया गया था गुरुग्राम में। आपको पता होगा दिल्ली के पास है गुरुग्राम, एक टाइम पे इसको गुरुगांव कहते थे, आज के टाइम में इसका नाम है गुरुग्राम। इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बेसिकली क्या करता है कि वेरियस कंट्रीज से डेटा इकट्ठा करता है, और जो भी वाइट शिप्स हैं, मतलब वाइट शिप्स मतलब कमर्शियल शिप्स, तो जो भी वाइट शिप्स हैं उनकी मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसका प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे लाइव डेटाबेस बना रखा है, और अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक सेंटर है ये। इसके अलग से एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मार्क कर रखा है कि कहाँ पर शिप्स की मूवमेंट हो रही है, कहाँ पर शिप्स को प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर अगर कोई शिप पकड़ी गई है ट्रैफिकिंग करते हुए, या फिर कहीं पर शिप की हाईजैकिंग हुई है, सबका रियल टाइम डेटा यहाँ पे रखते हैं, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन की वेबसाइट पर। ये इंडियन नेवी की वेबसाइट है, वहाँ पर इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो किसी एंथुजियास्ट के लिए काफ़ी होगी वो प्रोवाइड कर रखी है। तो इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प प्राइमरली अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लॉन्च किया है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कंट्री ऐसा कर रहा है। आप अगर 1980s का दौर देखो तो इस रीजन में एक ऑयल टैंकर वॉर भी हुई थी, जहाँ पे ईरान इराक बेसिकली क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऑयल टैंकर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अगर मान लो कि चाइना ने ऑयल खरीदा है इराक से, तो ईरान अपनी शिप से उस ऑयल कैरिंग शिप को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। सिमिलर काम इराक ईरानियन बायर्स के साथ भी कर रहा था। उस टाइम USA ने अपनी पूरी नेवी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी, और जो शिप्स USA के लिए ऑयल कैरी कर रही थी उनको सेफली नेविगेट भी USA करवा रहा था। ऑफकोर्स उस टाइम USA काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था ऑन गल्फ ऑयल। आज के टाइम में USA के पास काफ़ी और ऑप्शंस हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसके अलावा साउथ अमेरिका में, काफ़ी जगह ऑयल उनको मिल चुका है। तो USA को आज के टाइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करने का। USA उल्टा आज के टाइम में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल का। नाउ फाइनली एग्जाम पर्सपेक्टिव से पर्शियन गल्फ के आसपास जो जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी जान लो, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर ओमान, फिर है UAE, उसके अलावा कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक। ये सारी कंट्रीज़ की कोस्टल बॉर्डर है इन द पर्शियन गल्फ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये था पूरा एनालिसिस पूरे टॉपिक का। नाउ आने वाले समय में आप यहाँ पे क्या होता हुआ देख सकते हैं, क्या इंडिया की तरह बाकी और कंट्रीज़ भी यहाँ पे शिप भेजेंगी?
हो सकता है मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करूंगा नहीं, हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि सिंस इंडिया ने यहां पर INS चेन्नई भेज दिया है जो अपने आप में एक डिस्ट्रॉयर शिप है, आई थिंक इससे जापान, साउथ कोरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को रीअश्योरेंस मिलेगी कि यहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्टेशन शिप्स को डिफेंड करने के लिए इंडियन नेवी मौजूद है, तो शायद बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे अपनी वॉरशिप्स ना भी भेजें। इधर वे इंडियन नेवी ने प्रोएक्टिवली कदम लेकर बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।